हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। विधानसभा के मानसून सत्र में 12 बिल पास किए गए। संसदीय कार्य मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि कोरोना की वजह से मानसून सत्र में वो सभी प्रक्रिया नहीं हो पाई, बावजूद इसके सदन में विपक्ष को बोलने का पूरा मौका दिया गया। कोरोना काल में बुलाया गया मानसून सत्र एक दिवसीय रहा, हालांकि ये निरंतरता में जारी है, सत्रवसान नहीं हुआ है। कुछ खट्टे मीठे अनुभव इस दौरान भी रहे हैं। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं संसदीय कार्य मंत्री कंवरपाल गुर्जर, उनसे जानेंगे कि आज का जो है सारी कार्रवाई किस तरह से रही। कंवरपाल जी, ये बताएं कि आज ये सत्र हुआ है, हालांकि सत्रवसान नहीं है, एक तो ये स्पष्ट करें कि ये किस तरह से जो सत्रवसान नहीं है, इसकी कॉन्टिन्यूटी क्या रहेगी? देखिए, जब हमने हाउस बुलाने का निर्णय लिया ना, तब इस प्रकार की परिस्थितियां बिल्कुल नहीं थी, और हमारा इरादा यही था कि ठीक तरीके से जैसे पहले से हाउस चलता है वैसे हाउस चलेगा, लेकिन टाइम के साथ साथ दुर्घटना बढ़ती चली गई। जो सीएम साहब को हो गया, उसके बाद स्पीकर साहब को हो गया, काफी बड़ी संख्या में जो हमारे विधायक थे उनको हो गया, उसके बाद जो यहाँ फोर्स लगाई उसमें से 12 लोगों को हो गया। यानी कि मतलब एक इस प्रकार की घटनाएं घटती चली गई, जिससे एक लगा के भी इसके बारे में हमने विचार करना चाहिए। और जैसे ही बीएससी की आज मीटिंग हुई, तो उस मीटिंग में नेता प्रतिपक्ष का भी विचार यही था कि भाई इसको अभी एक ही दिन में चला के हमने पूरा करना चाहिए, क्योंकि सेशन बुलाना जरूरी है। यानी कि 6 महीने के बीच बीच में आपके लिए सेशन बुलाना अति आवश्यक है, वो आपको बुलाना ही पड़ेगा चाहे कैसी परिस्थितियां हों। तो नेता प्रतिपक्ष का भी यही एक निर्णय था कि भाई अब आप उसको बुलाओ, और जो जरूरी काम है कुछ ऐसे हैं जो मतलब अभी हमने काम करने हैं, तो उन कामों को आज कर लें, और उसके बाद जैसे ही स्थिति सामान्य होगी तब दोबारा फिर हम उसको बुला लेंगे। तो आज उसी प्रकार का निर्णय लिया गया। आप लोग कहते हैं कि बीएससी की मीटिंग में फैसला हो गया था एक दिवसीय सत्र का, लेकिन जिस तरह से मीडिया में लीडर ऑफ अपोजिशन ने भी और अभय चौटाला ने भी ये कहा कि बीएससी में जो फैसला था वो ये जो बिल आए हैं और जो क्वेश्चन आर है उस सबको लेकर कोई ऐसा फैसला नहीं था, और जो है उनके साथ जो एक ठगी वाली बात हुई है कि बीएससी का हवाला दिया जा रहा है। बिल्कुल कोई ठगी नहीं की गई, जो जिस चीज पे उन्होंने रोक लगाने के लिए कहा था उस पर हमने रोक लगा दी, और 8 तो उनमें ऑर्डिनेंस ही थे, उसके साथ बात कर ली थी कि 8 ऑर्डिनेंस है, इनको बिल में लेके आना, और दूसरे जो वित्तीय प्रबंधन के लिए थे 2 वो थे, वो दोनों के दोनों लेके आए, वो भी जरूरी थे। तो इस प्रकार के बिल आए, ऐसा कोई बिल हम लेके नहीं आए जिसपे उन्हें एतराज था उसको हम लेके नहीं आए, तो सारे बिल ऐसे थे जो जरूरी थे। और जैसे अनिल विज जी ने उनसे कहा था कि कोर्ट से संबंधित हमारा मामला है, क्योंकि हमने कोर्ट में जमाना, स्वयं नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि ठीक है आप इसको ले आओ, और वो सारा कुछ सहमति से होया। बाहर जाके उन्होंने कोई आपको प्रेस में कुछ और कहा होगा बात दूसरी, लेकिन सब कुछ सहमति से होया। ये बताएं कि आज कितने बिल जो है पास हुए और कितने पेंडिंग में रह गए? देखिए, 12 बिल जो है वो आज पास किए और 2 बिल जो है वो पेंडिंग में। आपने बतौर शिक्षा मंत्री छात्रों के जो अंतिम वर्ष के छात्र हैं उनकी परीक्षाओं को लेकर आश्वासन दिया, वो आश्वासन क्या था? क्या सरकार जो है परीक्षाएं करवाने के लिए अडिग है? विपक्ष मांग कर रहा था कि इसकी डेट शीट की रीशेड्यूलिंग हो, क्या उसके लिए सरकार तैयार है? देखिए, ऐसा कोर्ट का आदेश है कि जो फाइनल परीक्षा है वो होनी चाहिए। व्यक्तिगत मेरा मानना भी ऐसे ही है कि फाइनल की परीक्षा होनी चाहिए। आपने बीच में कोई भी क्लास पास की, आपने 11वीं पास की, 12वीं पास की, आपने जो भी क्लास पास की, तो वहाँ नहीं। लेकिन अगर आपने फाइनल आपने बीए करी, आपने बीकॉम करी, आपने बीएससी करी, आपने बीटेक करी, तो वो डिग्री पूरे जीवन आपके काम आने वाली है। मैं नहीं चाहता है कि जिस बच्चे ने इतनी मेहनत करके जो यहाँ तक पहुँचा, कल जिसके भी सामने हो जाए वो कहे कि कौन से सन में आपने की थी, कोरोना वाले कार्यकाल में की थी। मैं नहीं चाहता कि बच्चे को ये कहा जाए कि आपने कोरोना काल में आप तो औसत नंबर थे उसके हिसाब से, हालांकि औसत भी उसी के नंबर है, ऐसा नहीं है कि उसके साथ कोई है, पर लेकिन एक दिमाग में रहता है कि तो कोरोना काल की है। मैं नहीं चाहता कि बच्चे ने 14 साल लगाए, 15 साल लगाए, 16 साल लगाए, और वो किसी ऑफिस में जाए और उसकी सारी मेहनत को इस बात को कह के आप तो कोरोना काल में की थी, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम चाहते हैं कि वो बच्चा टेस्ट दे और उसमें पास हो, उसके लिए क्या व्यवस्थाएं करनी वो हमारी जिम्मेदारी है। हम पूरी ईमानदारी के साथ उसकी सारी व्यवस्थाएं करेंगे, चाहे वो ऑनलाइन ले कुछ ले, लेकिन जो उसने मेहनत करी वो मेहनत किसी तौर से भी जानी जानी चाहिए। तो आपने सुना ये है कंवरपाल गुर्जर जो बता रहे थे कि सत्रवसान नहीं हुआ है, और इस बात की जानकारी कल ही हरियाणा न्यूज ने अपने दर्शकों को दे दी थी। उन्होंने संभावनाएं व्यक्त कर दी थी हमने कि सत्रवसान नहीं होगा और कॉन्टिन्यूटी में ये सेशन चलेगा। हरियाणा न्यूज के लिए चंडीगढ़ से कैमरामैन संजय सिंह के साथ राकेश।